आज ये भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की ये चौपाल जिसका नाम दिया है हमने, पूरे भिवानी जिले का हमारा जो ओबीसी का संगठन है, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो आज इस चौपाल के अंदर मौजूद हैं। और ओबीसी जो वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोटर है, बेस वोटर जिसको मूल वोटर कहते हैं, और यही एक आधार हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए, माननीय मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी जी की भी नीतियों में विश्वास करते हुए, पूरे 2014 में सरकार बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था, देश में भी और प्रदेश में भी, 2019 में भी ओबीसी का ही सबसे बड़ा योगदान था, और आज भी 2024 में केंद्र में जितनी सीटें आई हैं उनमें मुख्य तौर के ऊपर ओबीसी का योगदान है। और आज हरियाणा प्रदेश में हम कह सकते हैं कि इस ओबीसी का जो आधार वोट बैंक है उसके दम पर हम ये दावा करते हैं कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार तेहराएगी और नायब सिंह सैनी जी इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 2014 के बाद से इन वर्गों को न्याय मिलने लगा है। पहले जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर फैसले होते थे और भाई भतीजा के आधार के ऊपर ट्रांसफ़र होते थे कि कौन सी लिक्रेटिव जगह है, कौन सी कमाई वाली जगह है, उसके ऊपर अपना को भाई भतीजावाद लगवा दें। नौकरियों का सिलेक्शन होता था वो जाति और क्षेत्र के आधार पर होता था। 2014 के बाद से माननीय मनोहर लाल जी ने जो ट्रांसपेरेंट नीति अपनाई, पारदर्शिता अपनाई, उसके बाद ओबीसी के मेरिटोरियस जो जितने बच्चे हैं, जो कभी भी उनको दरकिनार कर दिया जाता था, बल्कि काफ़ी जगह तो के उपयुक्त कैंडिडेट ही नहीं मिला ये कह के सीटें खाली छोड़ दी जाती थी और बाद में जनरल वर्ग में उनको भर लिया जाता था, क्योंकि इस समय ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, और वो फार्म जो है ना वो हार्ड कॉपी होती थी, उनको नष्ट कर देते थे, कहते थे किसी ने अप्लाई नहीं किया इस पोस्ट के लिए। तो इस किस्म की हेराफेरी करके इन लोगों के साथ भेदभाव अन्याय किया जाता था। 2014 के बाद से ओबीसी को पूरा अधिकार मिलने लगा। अब नायब सिंह सैनी जी के आने के बाद जितने ओबीसी के प्लाटों से वंचित जो लोग रह गए थे उनको प्लॉट दिए गए हैं, और जहां पर जिस पंचायत में या कमेटी में जगह नहीं है उपलब्ध, तो उनके लिए 1-1 लाख रुपया एक मुफ्त वैसे ही दिया गया है कि वे अपने आप खरीद लो, 20-30 वर्ग गज का प्लाट अगर कहीं भी अवेलेबल होता उनको पैसे दे दिए गए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं महिला थाने बनाए गए और ओबीसी कमीशन को केंद्र सरकार ने संवैधानिक अधिकार दिया। अब संवैधानिक अधिकार होने के बाद कोई भी बिरादरी क्लेम नहीं कर सकती किसी राजनीतिक माध्यम से कि हमें ओबीसी में शामिल कर लिया जाए। तो ये कमीशन के पास रिपोर्ट जाएगी, वो सर्वे करवाएगा, उसके आधार पर वो मेरिट बनाएगा कि ये जाति ओबीसी का स्टेटस रखती है या नहीं रखती है प्रदेश में, उसी की सिफारिश के आधार पर शामिल किया जाएगा। तो एक संवैधानिक अधिकार जो दिया है ये लंबे समय से लंबित था, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, पहले काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ नेहरू के काल में, उसकी रिपोर्ट को दबा दिया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, 78 में मंडल कमीशन का गठन हुआ, उसकी 80 में रिपोर्ट आई, तब तक इंदिरा जी सत्ता में आ चुकी थी, उसका भी ऐसे ही असर हुआ, उसको भी दबा दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में केंद्र में और राज्यों में सरकार आने के बाद इन लोगों को न्याय मिलने लगा है, और के आधार पर मैं ये दावा करता हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश के बहुत से चुनावों में गया हूँ, कल मेरा टूर था जुलाना का, परसों मेरा टूर था उचाणा का, उससे पहले मैं था गोहाना, उससे पहले मैं नारनौंद में था। तो मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से प्रदेश में लहर है और निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। ओबीसी कास्ट में लगातार प्रोटेस्ट करती रही है मतगणना को लेकर के, आप कितना समझते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का सगुफा है। जातिगत मतगणना का जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो एक सिस्टम बनाया PPP का, परिवार पहचान पत्र का, उसमें सबकी जाति लिखी हुई है और एक क्लिक से कंप्यूटर पर एक क्लिक से जानकारी ली जा सकती है कि इस प्रदेश में किस जाति की कितनी संख्या है। तो अपने आप ही वो एक जाति की जनगणना हो गई है।
ये तो जनगणना कांग्रेस को तो तब तो कभी याद आई नहीं, ये 60 साल तक इस देश में सत्तारूढ़ रहे, अब ये सगुफा छोड़ते हैं। अब देखिए, सांप की दो जीव होती हैं, एक जीव हिंदुस्तान में बोलती है और एक विदेश में बोलती है। विदेश में जाके राहुल गांधी कहता है कि अगर हम सत्ता में आए हिंदुस्तान में तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, और दूसरी जीव हिंदुस्तान में बोलती है, वो कहती है मोदी जी 400 पार हो गए तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। यानी लोगों का पैरामीटर जो है अपने देश में कुछ है, प्रदेश में कुछ है, वहाँ जाके हिंदुस्तान की शोहरत को ख़राब करते हैं। कभी कहते हैं वहाँ सिख सुरक्षित नहीं है, उनके कड़े उतरवा लिए जाते हैं, उनकी पगड़ी उतरवा ली जाती है। और वो पार्टी कहती है इस बात को जो 1984 में 15,000 सिखों के हत्याकांड का मशेकर का दोष जिनके ऊपर है, जो दोषी है हत्याकांड की, वो इस किस्म की बात करते हैं, जिन्होंने भिंडरांवाला को पहले पैदा किया और फिर ब्लू स्टार ऑपरेशन के माध्यम से वहाँ पर हज़ारों लोगों को मरवाया, तो वो लोग यहाँ पर सिखों की सुरक्षा की बात करते हैं। यानी उनका एक ही मकसद है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो हिंदुस्तान को कहीं भी किसी हद तक भी बदनाम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान अब पूरी देश की जनता हो गई है, उनके असलियत का पता चल गया है। और भिवाणी से हमारे सारे के सारे कैंडिडेट, अभी मैं तो शाम से आया हूँ श्रुति चौधरी के लिए जनसभा करके, मैं कहता हूँ बहुत भारी मतों से वो जीतेगी। यहाँ से घनश्याम सराफ जी भारी मतों से जीतेंगे, बोणी खेड़ावाला हमारा कपूर वाल्मीकि बहुत अच्छे मतों से जीतेगा। लोहारू में कल जा रहा हूँ और पहले अमित शाह जी आए उस दिन भी गया था मैं, तो कल भी मेरे 14 प्रोग्राम है। निश्चित तौर पर अपने जेपी दलाल भारी मतों से जीतेंगे, हम सारी की सारी भिवाणी की सीट जीतने वाले हैं। हाँ जी, हरियाणा में हम बहुमत की सरकार बनाएंगे।